संघर्ष करके दिखाया और इसी धरती से कांग्रेस दोबारा हरियाणा के अंदर एक नई इबादत लिखेगी, एक नया इतिहास लिखेगी, ये मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि इसी धरती पे हमने 4 साल कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको लेकर के हमने संघर्ष नहीं किया, हमारे जींद के साथियों ने संघर्ष नहीं किया। और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि साथियों आने वाली 28 तारीख को जब वोट पड़ेगी, जींद का एक एक मतदाता, 36 बिरादरी के साथी, हर वर्ग के साथी, जो चुनौती आज हमारे ऊपर आई है उसको स्वीकार करते हुए राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और इस चुनाव का महत्व क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। पिछले कई दिन से लगातार हम इस बात की चर्चा करते हैं कि साथियों ये केवल विधायक बनाने का चुनाव नहीं है। अगर केवल विधायक बनाने का चुनाव होता तो भाई रणदीप सुरजेवाला जी को इस जींद के रण क्षेत्र में, इस युद्ध भूमि में नहीं उतारा जाता। ये चुनाव विधायक के आगे का चुनाव है। इस जींद की सत्ता में भागीदारी कैसे हो, महत्वपूर्ण भागीदारी कैसे हो, ये सत्ता का केंद्र कैसे बने। जींद के जो आज वर्षों से कष्ट है, आज हम देखे चारों तरफ जाकर के आप सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, लोग कहते हैं कि पीने का पानी हमें नहरी पानी चाहिए, वो भाखड़ा का पानी चाहिए जो सिरसा फतेहाबाद और तमाम जिलों को मिलता है। तो साथियों हमने आप लोगों से वायदा किया, इस जींद की धरती पे वायदा किया कि जब अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और इसी चुनाव के बाद ये सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की गिरेगी तो यहाँ पर ना नौकरियों की कमी रहेगी, ना सीवरेज की व्यवस्था दुरुस्त करने की कमी रहेगी, ना पीने के पानी की दिक्कत होगी। और इसी जमीन पे जहाँ पर हम खड़े हैं, कुछ ही दूरी पे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। आज इस मंच के माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहता हूँ और खट्टर सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि बताइए, आप पूरे देश को बताइए और हरियाणा प्रदेश को खास तौर पे बताइए, आपने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ये हैबतपुर की धरती पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बना? केंद्र की सरकार ने, एमसीआई ने, दूसरी संस्थाओं ने एक भी मेडिकल कॉलेज के लिए परमिशन क्यों नहीं दी? और इस जींद के अंदर जिस तरीके से विकास कार्य होने चाहिए थे, आज जब चुनाव आया हमारे मेटा साहब जो एमएलए थे ईश्वर को प्यारे हो गए, हम सब श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन साथियों एक तरफ बीजेपी की सरकार थी और दूसरी तरफ यहाँ पर 10 साल भाई थोड़ा सा पंडित जी, हाँ, दूसरी तरफ 10 साल तक इनेलो के विधायक थे। जितनी दोषी भारतीय जनता पार्टी है, आज जींद के पिछड़ापन के लिए उतनी दोषी इनेलो भी है और इनेलो ने दिखाए थे। मैं समझता हूँ कि जींद की जनता इस बहकावे में आने वाले नहीं है। कई साथी, मैं पिछले यहाँ पर 10 तारीख से, और मैंने कहा मैं सैकड़ों बार जींद की धरती पे आया हूँ, मेरा भी संसदीय क्षेत्र का एक हल्का नरवाना इसी जिले के अंदर है। जब हम डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंगों में सांसद के नाते आते थे तब भी महसूस करते थे जींद की जरूरतें क्या है। पिछले 4.5 साल में हमने और बारीकी से महसूस किया और हम जींद के लोगों को, चाहे जींद का ये विधानसभा क्षेत्र हो या जींद पूरे जिले की बात हो, आने वाले समय में जींद बेहतरीन जिला भी बनेगा, बेहतरीन हमारा ये शहर भी बनेगा। और जींद के लोगों को हमारी ये सरकार, जो आने वाली सरकार होगी, साथियों उद्योग धंधों की कमी है, यहाँ के साथियों को बाहर जाना पड़ता है। और हमने कहा है जींद के साथियों को, नौजवान साथियों को खास तौर से, कि साथियों आप हमारा साथ दीजिए इस चुनाव के अंदर, हम पहली IMT इसी जींद की धरती में बनाएंगे और उस जींद की धरती पर हजारों लाखों करोड़ रुपए के निवेश के माध्यम से इस जींद की धरती पर बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे। तो साथियों समय है, ये चुनौती हमारे सामने है, हमारे ऊपर है। और कांग्रेस पार्टी 133 वर्ष पुरानी पार्टी है, हमने अंग्रेजों से हम नहीं डरे, हम दूसरी ताकतों से नहीं डरे। ये जितने भी लक्कर भग गए सारी पार्टियां हैं, हमेशा ये कांग्रेस के खिलाफ मिलकर के लड़ते हैं, हमने तब इनका कभी इनके सामने ना झुके ना रुके और आज भी मजबूती से डटे हुए हैं। तो साथियों एक बार फिर चुनौती का सामना करो, एक बार फिर संकल्प लो कि जितने भी साथी हैं हम अपनी अपनी ड्यूटी आप लोगों ने निभाई है। मैंने कल
भाई रणदीप जी ने और हमने दो तीन लगातार उन तमाम साथियों की मीटिंग ली, उन तमाम साथियों की मीटिंग ली जिन साथियों ने यहाँ पूरी मजबूती से डेरा डाला हुआ है, और हमने सबसे फीडबैक लिया। उन साथियों को मैंने कहा था कि साथियों किसी बहकावे में मत आइए, ये अशोक तंवर आज आपके सामने जो खड़ा है, जैसे कई बार चर्चा हो जाती है, मेरे चुनाव में भी चर्चा थी। क्या चर्चा थी? मीडिया भी कहता था और सट्टा बाजार भी कहता था, बोले अशोक तंवर तीसरे नंबर पे है। लेकिन साथियों मैं कभी तीसरे नंबर पे था ही नहीं, मैं कभी तीसरे नंबर पे था ही नहीं। और आप वोट देख लीजिए, भाई दीपेंद्र जी यहाँ पर है, उनके बाद हरियाणा में सबसे ज्यादा वोट आई थी तो मेरी आई थी, 4 लाख वोट आई थी। तो साथियों कई बार हम दुष्प्रचार का शिकार हो जाते हैं, फिर कुछ ताकतें कानाफूसी करती हैं, उन कानाफूसी करने वाली ताकतों को जो कान में बोलते हैं उनको कह दीजिए कि जीत कांग्रेस की होगी। मैंने आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले जितनी बार भी मैं जींद में आया, अरे साथियों अगर हम कमजोर होते जींद की धरती के ऊपर तो चुनाव आयोग से और कोर्ट में जाकर के हम कांग्रेस पार्टी के साथी ये नहीं कहते कि हमारे यहाँ चुनाव करवाओ। बताओ इस चुनाव की मांग किसने करवाई? भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो ये कह दिया था कि ये चुनाव नहीं करवाना, इलेक्शन कमीशन को लिख के दे दिया था। घबराई हुई थी, डरी हुई थी, और आज वही घबराई हुई डरी हुई सरकार फिर दोबारा छापे मरवाने का काम हमारे नेताओं के ऊपर करती है। तो साथियों इस घड़ी के अंदर ये चुनौती की घड़ी है, आज तमाम संस्थाओं को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है, हमारे नेताओं के खिलाफ दुरुपयोग किया जाता है, मैं समझता हूँ कि इस एक चुनाव से जो कि लोकतंत्र में ताकत जनता की सबसे ज्यादा होती है, आप अपनी ताकत लगाइए, एहसास कराइए और इस राज्य को बदलने के लिए एकजुट होकर के लड़िए। राज्य बदलने का कांग्रेस की हवा चारों तरफ है, पांचों राज्यों में जहां पर गरीब के कर्जे भी हम माफ करेंगे, 50,000 1-1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ होंगे, हर साथी को रोजगार देंगे, और हरियाणा जिसको पीछे ले जाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, साथियों ये भाई शांत शांत साथियों भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया, और उसकी बी टीम के तौर पर इनेलो ने काम किया, सी टीम के रूप में भी आज और दूसरी पार्टियां चुनावी मैदान में है जिन्होंने जाति और धर्म का जहर हमारे समाज के अंदर डालने का काम किया। तो आज ये परीक्षा केवल राजनीतिक चुनाव जीतने की नहीं है, ये परीक्षा ये चुनौती इस बात की भी है कि हम अपने भाईचारे को हरियाणा के अंदर बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते।